नमस्कार। ठीक है, माननीय श्री राज साहब और स्टेज पे उपस्थित सब सम्मानीय व्यक्ति, प्रशांत दामले जी का सबसे पहला प्ले मैंने देखा था चार दिवस प्रेमा से, आई थिंक 1994-95 में, और आज पूरा प्ले यहाँ बैठ के देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और कसम से, मतलब जो एनर्जी, जो टाइमिंग, आज से 20-25 साल पहले जब मैंने उनको देखा था, सेम वही की वही एनर्जी, वही की वही टाइमिंग, आज देख के इतना आनंद हो रहा था। एक एक कलाकार के तौर पर मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि आई एम सो लकी कि मैं इस इतने बड़े जो ये महोत्सव हो रहा है उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला है। करीब 2 महीने पहले प्रशांत जी ने मुझे फोन किया था कि ये 12,500 मेरा शो है और आपको आना ही है। उन्होंने पक्का, बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, मतलब ये तो वाकई में ये बहुत बहुत बड़े गर्व की बात है। और 12,500 जैसे राज साहब ने पूरा कैलकुलेशन करके दिया, वाकई में इट इज अनबिलीवेबल फॉर एनी आर्टिस्ट। और ये तरह से एक सोशल सर्विस भी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आते हैं और लोगों का जो दुख दर्द भूल जाते हैं जब यहाँ ये 3 घंटा एक प्रयोग देखते हैं, तो जो भी अपने जीवन में जो भी परेशानी है और हर प्रयोग में वो मोमेंट क्रिएट करना इतना डिफिकल्ट है, बट बखूबी वो इतने साल से करते आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि इतने साल में उनके भी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहे होंगे, फिजिकल या इमोशनल या कुछ भी, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करके जब एक शो होता है तो लोगों को हंसाने के लिए, लोगों के जीवन में आनंद लाने के लिए वो जो कटिबद्ध है, बस भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले और इसी तरह ये लोगों का मनोरंजन करते रहे। और जैसा कि यहाँ किया है कि बहुत जल्दी उनको पद्मश्री या पद्मभूषण जो भी एक राइटली डिजर्व उनको मिलना ही चाहिए। Once again, very very congratulations, Prashant ji, and thank you very much for inviting me. Thank you. कार्यक्रमात पुढे जाऊया। मी दिलीप जोशींचा सत्कार करण्याची विनंती प्रशांतजी दामले यांना करतो। दिलीप सर हे आज शूटिंग मधल्या वेळात वेळ काढून इथे आले, पूर्ण त्यांनी आपला प्रयोग पाहायला मनोगत व्यक्त केलं। मी श्रीवसव दामले यांना विनंती करतो की आपण दिलीप जोशी यांचा सत्कार करावा, सन्मान करावा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।